यौन शोषण के आरोपी भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह और पहलवानों के बीच दिल्ली के जंतर मंतर पर दंगल जारी है। जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना 17वें दिन भी लगातार जारी रहा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पहलवान इस बात पर अड़े हैं कि 164 का बयान दर्ज होने के बाद अब वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनका 164 के तहत बयान दर्ज हो, जिसको लेकर स्थानीय प्रशासन की तरफ से लेट लतीफी और हीला हवाली की जा रही है। गौरतलब है कि 7 आरोपियों की 161 के तहत बयान दर्ज हो चुके हैं, जो पुलिस इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर के सामने दर्ज होते हैं। लेकिन अब ये खिलाड़ी जल्द से जल्द चाहते हैं कि इन तमाम आरोपियों के बयान मजिस्ट्रेट के सामने यानी आईपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज हो, लेकिन इसमें पुलिस की तरफ से कोई भी लेट लतीफी जैसी चीजें निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर खापो भारतीय किसानों, बुद्धिजीवियों, एनजीओ और विपक्ष के बड़े बड़े राजनीतिक नेताओं के आने का सिलसिला शुरू है। अब सबकी नजरें खाप पंचायत की तरफ से दिए गए डेडलाइन यानी 21 मई पर टिकी है। 21 मई तक भारतीय खाप पंचायत और भारतीय किसान यूनियन ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वो दिल्ली आने वाले तमाम रास्तों को बंद कर देंगे। सूत्रों ने News24 के साथ यहां तक दावा किया है कि चूंकि इस मामले को हरियाणा बनाम अन्य राज्य से जोड़कर देखा जा रहा है, लिहाजा खाप पंचायतों का पहला आंदोलन 21 मई के बाद उत्तर प्रदेश में शुरू होगा, जहां अब रास्ता रोको अभियान की तरफ कूच करने की तैयारी की जा रही है। कैमरामैन अमित राय के साथ ऋषिकेश कुमार, News24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News24।